आज तक बिना प्रेस शर्ट पहन के कहीं भी निकल जाते हो। वेरी गुड। अरे यार वो प्रेस किया था, वो सूटकेस में रख के खराब हो गया, सॉरी। यू डोंट हैव टू से सॉरी टू मी एनीमोर। नहीं, तुम्हारे साथ आदत हो गई थी ना सॉरी बोलने की। आई मीन गलती करते थे तो सॉरी बोलते थे, इसमें आदत क्या है? नहीं, गलती किसी की भी हो सॉरी तो मुझे ही बोलना पड़ता। दैट इज नॉट ट्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी तुमसे सॉरी बोलने के लिए जबरदस्ती नहीं करी है। सॉरी बोले बिना तुम मानती भी तो नहीं थी। नहीं, लेकिन अगर गलती करोगे तो सॉरी तो तुम ही बोलोगे ना, तो फिर इसमें क्या लॉजिक? अगर गलती तुम्हारे फ्रेंड्स की है तो? तुम्हारे फ्रेंड्स की बात करनी है? तुम्हारे फ्रेंड्स की बात करें? तुम्हारे फ्रेंड्स जो अनइनवाइटेड कभी भी टपक जाते थे, फिर हफ्तों रुकते थे, जाते ही नहीं थे, कभी हमें अलोन टाइम स्पेंड नहीं करने दिया। वॉन्ट टॉप ऑफ फ्रेंड्स, तुम्हें खुश करने के लिए मैंने अपने कितने डिजायर्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। तुम्हारा मूड ऑफ ना हो जाए इसलिए मेरे इतने सारे दोस्त थे जिनसे मैं टोटली कट ऑफ हो गई, एकदम दूर चली गई। मैंने कभी तुम्हें अपने दोस्तों से दूर जाने नहीं बोला था, और कई बार तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए, तुम्हारे स्टूपिड से बेसर पैर के डिमांड्स पूरे करने के लिए अपने दोस्तों को बीच पार्टी में छोड़ के निकला। वो डिमांड्स तुम्हारे अटेंशन के लिए थे कुणाल। आई जस्ट वांटेड टू फील लव्ड बाय यू, टू हैव सम अटेंशन फ्रॉम यू, टू फील पैम्पर्ड बाय माय बॉयफ्रेंड। व्हाट इज सो रॉन्ग इन दैट? इतनी सारी बातें, ये मत करो, वो मत करो, ये बोलो, वो बोलो, ये पहनो, वो पहनो, यहाँ तक कि मेरा हेयर स्टाइल भी तुम्हें चूज करती थी, और मैं तुम्हारी हर बात सुनता था। क्यों सुनता था मैं? तुम्हारी खुशी के लिए ना, क्योंकि एक रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे के लिए ये सब करते हैं, थोड़ा सा सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है यार। बाय द वे, हाउ इज सैम? व्हाट डज दैट मीन? हाउ इज सैम? आई कांट बिलीव दैट तुम अभी भी Sam is fine. He's still my friend. He's a good friend, and he's fine. Still is. Oh my God! I don't believe कि तुम्हें अभी भी problem है. I mean, he's just a good friend, यार. And I can handle myself. Ah, you can handle yourself. मैं था ना वहाँ पे, मैंने देखा ना. क्या देखा? वही कि वो कैसे? क्या? कैसे क्या? क्या? हम dance कर रहे थे यार साथ में. He was just dancing with me. अब कुछ नहीं था. तुम भी तो डांस कर रहे थे. हाँ, मैं भी डांस कर रहा था, लेकिन मेरा वो वैसा इंटेंशन नहीं होता था. ओह, मेरा इंटेंशन होता था. I mean, I don't believe कि तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हें छोड़कर मैं किसी और में इंटरेस्टेड थी कभी भी. क्या तेरे को मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? तुम्हारा वो फ्रेंड, मैं उसके इंटेंशंस के बारे में बात कर रहा हूँ. Just shut up, ठीक है? मुझे नहीं करनी तुम ये बात. I can't believe we're still fighting about this. हो गया ना सब, खत्म हो गया हमारे बीच में अब सब.